विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के पहले सप्ताह में सिंगापुर का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि प्रधानमंत्री भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे, साथ ही आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति महामहिम थर्मन षणमुगम से मिलेंगे और सिंगापुर के नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री सिंगापुर के व्यापारिक नेताओं से भी मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी सिंगापुर यात्रा पर विदेश मंत्रालय में सचिव जयदीप मजूमदार ने बताया कि व्यापार और निवेश के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा महत्वपूर्ण है। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सिंगापुर दुनिया भर में भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान FDI का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। From the point of trade and investment also, the Prime Minister's visit to Singapore is very significant. Singapore is India's largest partner, trade partner in ASEAN, and it is a leading source of foreign direct investment. Singapore is India's sixth largest trade partner worldwide and the largest source of FDI during the last financial year. Investments have also been very large. Since 2000 till now, we have had cumulative FDI of about $160 billion. There will be an interaction with business leaders during Prime Minister's visit, and this will be an important element of the visit, as the CEOs will be listening to India's growth story firsthand from the Prime Minister and the opportunities that it presents for them.